हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए हर एक गवर्नमेंट काफी संजीदा है। आप जिस देश की बात करें, इंडिया की बात करें, गल्फ की बात करें, बाहर के देशों की बात करें, हेल्थ और सेफ्टी से कोई भी कंपनी, कोई भी डिपार्टमेंट, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कोई समझौता नहीं करना चाहता, क्योंकि यह हमारी लाइफ का एक ऐसा हिस्सा है जो काम के दौरान हमें सुरक्षित रखने में काफी मदद करता है। अभी हाल ही के एक आंकड़े में ये साबित हुआ था कि हेल्थ सेफ्टी को नजरअंदाज करने वाली कंपनियां, हेल्थ और सेफ्टी को नजरअंदाज करने वाले जो ऑक्यूपेशनल वर्क हैं, उनमें सबसे ज्यादा दुर्घटना अगर पाई गई तो इसको नजरअंदाज करने की वजह से। तो हेल्थ और सेफ्टी अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। आज जहां भी जाएंगे आपको हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर मिलेंगे, ईएचएस ऑफिसर मिलेंगे, आपको एचएससी ऑफिसर मिलेंगे, फायर सेफ्टी ऑफिसर मिलेंगे। वजह क्या है? इन सबके अगर मूल में अगर आप देखें तो आप देखेंगे कि इन सबका एक ही उद्देश्य है, किस तरह से हम लाइफ को सेफ रखें, किस तरह से हम इन्वायरमेंट को सेफ रखें और किस तरह से मटेरियल को सेफ रखें। ये तीन ऐसे कंडीशंस आते हैं जिन पर पूरा सेफ्टी डिपेंड है। सेफ्टी के बगैर कोई भी कंपनी काम नहीं कर सकती है, ये एक इलीगल एक्टिविटीज के अंतर्गत आता है। कभी भारत में सेफ्टी जो है रेड लाइन के तरफ था, लेकिन आज भारत में जिस तरह से सेफ्टी को प्रियोरिटी दी जा रही है, सबसे पहले, वह अपने आप में काबिले तारीफ है। सेफ्टी आज इम्प्रूव होता जा रहा है, लोगों को सुरक्षित तरीके से काम करने की जो इन्वायरमेंट उपलब्ध कराया जा रहा है वो काफी बेहतर है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या हेल्थ एंड सेफ्टी में करियर बनाना बेहतर होगा? तो हेल्थ और सेफ्टी में करियर बनाना बहुत ही बेहतर होगा आपका, क्योंकि दुनिया का में जहां भी जाएंगे, जिस देश में जाएंगे, जिस परिस्थिति में रहेंगे, जिस सिचुएशन में रहेंगे, हेल्थ और सेफ्टी के जॉब में कभी भी रिसेशन आने वाला नहीं है, कभी इसमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। कोविड-19 के बाद से जो हेल्थ सेफ्टी में इजाफा हुआ है, जिस तरह से इस जॉब में उछाल आया है, इसकी सैलरी में उछाल आया है, हर कंपनियों ने सोचना शुरू कर दिया है, वह अपने आप में काबिले तारीफ है। यदि आप भी हेल्थ एंड सेफ्टी फील्ड में एंटर करना चाहते हैं तो आपके लिए हेल्थ एंड सेफ्टी फील्ड काफी बेहतर हो सकता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हेल्थ एंड सेफ्टी फील्ड में एंटर करने के लिए हमें क्या करना होगा? तो हेल्थ एंड सेफ्टी फील्ड में एंटर करने के लिए आपको इसकी जो कोर्स ट्रेनिंग होते हैं उसको करना होगा। कोर्स ट्रेनिंग करने के बाद आप एक सेफ्टी एक्सपर्ट के रूप में काम कर सकते हैं। अभी हाल ही में इंडिया में भी हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर को एक निश्चित कोड के द्वारा नवाजा गया है। यह एक ऐसा कोड है जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार हुआ, जैसे हर एक प्रोफेशन का एक कोड हुआ करता था। लेकिन 2021 में, 8 मार्च 2021 में जो जजमेंट आया, उस जजमेंट में हेल्थ एंड सेफ्टी को भी एक कोड से नवाजा गया, और जो अपने आप में काफी बेहतर संकेत करता है। तो डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड, हेल्थ एंड सेफ्टी का जॉब, हेल्थ एंड सेफ्टी का कोर्स, हेल्थ एंड सेफ्टी का फील्ड आपके लिए काफी बेहतरीन हो सकता है। यदि आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो SST इंस्टीट्यूट को आप ज्वाइन करें, वहां से तमाम चीजें आप एक ही छत के नीचे सीख पाएंगे। अपडेटेड कोर्स मटेरियल होता है, डायनेमिक मॉड्यूल में ट्रेनिंग होती है, और आज SST इंस्टीट्यूट से पास आउट हुए हजारों की संख्या में स्टूडेंट पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं और अपने बुद्धिमत्ता का परचम लहरा रहे हैं। उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होगी। इसी के साथ इजाजत चाहते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।